सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। मैं अपने शहर निवासियों को यह कहना चाहती हाँ कि मैं उन्होंने हमेशा खड़ी हाँ तो उन्होंने समस्यावां का निजात कराने लई हमेशा तत्पर रहांगी। तो मैं अपने MC साहिबान का थैंक्स भी करना चाहती हाँ कि अज वो अपने धरने के द्वारा अपनी सुत्ती सरकार को जगाने दे विच फिर हैल्प कर रही है। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो राजवीर सिंह जी राजी जी वालों ही कहा गया सी कि EO साहब JEE या कोई भी ऑफिस का अधिकारी मेरे घर आए तो मेरे घरद वालों उन्होंने गलत राह पाया गया जो उन्होंने ये कहा गया कि मैं घर बैठी हाँ। सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि मैं कल शाम तो ही आउट ऑफ टाउन हाँ। यह मेरा परसनल मैटर है, मैं अपने पेरेंट्स के कोल हाँ। फिर भी मैं अपने घर फोन करके पूछा कि कोई अधिकारी आया सी तो उन्होंने कहा नहीं। सो यह सरासर झूठ बोलिया गया कि ये अधिकारी जां MC मेरे घर आए जो बहुत बुरी गल है। उस तो इलावा जो मुद्दा जो धरना लगाया गया है वह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहती हाँ कि जो शैलो ट्यूबवैल है वो किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर चीज़ लई ही लगाया जाता है जो कि कम्यूनिटी सेंटर का शैलो ट्यूबवैल से। इसका जे तब्दीली करनी है, इसकी जगह की तब्दीली करनी है तो उसनू मते विच लियाना जरूरी है जो कानूनी है, कानून के आधार पर ही चलिया जाता, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, उसनू हाउस के मते विच लियाना जरूरी है तो कानूनी भी है। तो मैं इन सारिआं नूं लास्ट मीटिंग दे विच इह कहा सीगा कि जे इस ट्यूबवैल नूं लगा दिता जाएगा लेकिन इस ट्यूबवैल नूं मते दे विच लियाया जाए तां जो सही तरीके दे नाल इस ट्यूबवैल लई काम किया जा सके। तो दूजा मुद्दा अगला मेरे लिए यह आरोप लगाया गया सीगा कि कुछ ओम इनकलेव दे या कुछ एरिए दे विच प्रॉब्लम आ रही है पानी नूं लेके, जो उसका स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहती हाँ कि रेन वाटर नूं लेके पिछली कुछ मीटिंग दे विच यह पास किया गया सीगा 4.25 करोड़ दे लगभग रेन वाटर दा उस एरिए दे विच पास किया गया सी जो बरियाली नदी दे विच जाके गिरना सी, हाउस दे विच पास भी है ते उसका साइन होके भी उपरों आ चुकिया ते सिर्फ उसके टेंडर लगाने बाकी हैं, जिस दे वालों मैं एक लैटर भी जारी किया होया EO साहब नूं ते सख्त हदायत भी की गई कि इसका जल्द तो जल्द काम किया जा सके जो बरसातों के विच समस्यावां दा हल किया जा सके। उस तो बाद एक होर समस्या है कि जो प्रधान दे अधिकार ने जां प्रधान दे साइन दे अधिकार ने उसकी दुरवरतों की गई है अधिकारियों वालों। मेरे साइन तो बिना ही कुछ अमाउंट का चैक ADC के थ्रू वह पास किया गया जो कि प्रधान की चेयर का ज प्रधान के अहदे का बहुत बड़ा इंसल्ट है। मैं ये भी कहना चाहती हाँ कि प्रधान के साइन तो बिना किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं की जा सकती। तो सब तो वड्डा मुद्दा है जो मुद्दा है पानी का, जो कि मेरे ते ब्लेम भी लगाए गए हैं कि प्रधान काम नहीं करती। सो मैं यह कहना चाहती हाँ कि अज तो लगभग 2 साल पहला पानी के ही मुद्दे नूं मेन करके असी 27 वार्ड के 27 ट्यूबवैल पास किए सी। तो मेरे कुछ MC वीर वालों यह भी कहा गया सी कि प्रधान काम नहीं करती, जे प्रधान मीटिंग रखे तो असी बहुत जल्द ही जल्दी तो जल्दी 1-2 दिनों के मीटिंग पास करवा सकते हैं। तो फिर 27 ट्यूबवैल 2 साल तो पेंडिंग किदा रह गए हैं। जे यह पानी की समस्या सिर्फ एक वार्ड के राजवीर सिंह राजी जी के वार्ड में नहीं है, ये होर भी जिदा कि 6 नंबर वार्ड जिथों के लोग अज भी बहुत तरह तरह कर रहे हैं पानी पिछे, 8 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, 27 नंबर वार्ड या होर भी बहुत सारे वार्ड ने जिथे कि जब बहुत सारे एरिए ने जिथे कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जे 27 ट्यूबवैल पास हो इस समस्या तो निजात किया जा सकता है। उस तो बाद सब तो वड्डी और मेन गल यह है कि प्रधान नूं बदनाम करन दी साजिश की जा रही है, जिदा कि मैं पहले ही कहा कि सरकार ने वादे तो किए सी कि दोहरी नीति और बदलाखोरी नीति नहीं की जाऊगी, लेकिन अज प्रधान नगर कौंसल दे नाल उही सब कुछ किया जा रहा।
जद दो सरकारां आ चुकी हैं मेरे प्रधानगी दे विच। जदों कांग्रेस की सरकार सी तां कांग्रेस वल भज भज के चले गए नुमाइंदे कुछ, जदों आम आदमी पार्टी की सरकार आई तां ओह नुमाइंदे भज के आम आदमी विच चले गए, पार्टी ज्वाइन कर ली। सो मेन मुद्दा की है प्रधान नूं कुर्सी तो उतारन दा, जबकि मेन मुद्दा एम सीज का यह होना चाहिए कि असी अपने एरिए का डिवेलपमेंट किदा करवाइए, किदा उन्होंने एरिए जो प्रॉब्लम है उसनों निजात करिए, उसनों काम विच लियाइए, उसनों मीटिंग च पास करवाइए। सो इन्होंने सिर्फ बदलाखोरी की नीति यूज़ किया, प्रधान नूं कुर्सी ते उतारन लई स्टंट किए जा रहे हैं। सो यही गल कहना चाहती हाँ कि बदलाखोरी नीति ना की जाए, काम वल ध्यान दिता जाए, क्योंकि शहर के लोग काम प्रति तंग ने, आप शहर की डिवेलपमेंट वल खास ध्यान दईए, ना कि कुर्सी नूं उतारन दे वल। यही गल थोनू कहना चाहिए कि मुद्दा है ना जो उतारन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। अपनी इस स्पष्टीकरण नूं मैं समझदी हाँ कि मेरी गल का जो स्पष्टीकरण है थानू सारे नूं मिल ही गया होना। सो मैं आस करती हाँ कि मेरी गल नूं समझा जाएगा, धन्यवाद। तो मैं अपने मीडिया के वीरां नूं भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हाँ जो कि मेरी इस अपील नूं जनता तक पहुँचाने विच मेरी मदद करनगे। सो मीडिया का भी धन्यवाद, जनता का भी धन्यवाद। खरड़ तो मोहित मित्तल की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।